अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी शुक्र अल्लाह का बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग जो है वो बस आज मैं वेकेशन के बाद जो मेरी घर में रूटीन है वो मैं आपसे शेयर। और आजकल तो ऐसे है कि बस हस्बैंड का काम स्टार्ट हो गया, वो चले जाते हैं अपने जॉब पर, उसके बाद बस मैं और बच्चे हम लोग अभी घर पर हैं। बच्चों के स्कूल का अभी एडमिशन नहीं हुआ और इस तरह से फिर अभी थोड़ी सी रूटीन सेट करने की कोशिश की है। लेकिन अभी तो फ़िलहाल ऐसे है कि ना उठो, दिन शुरू होता है, पता ही नहीं चला दिन का। मौसम देखते हैं बाहर कैसा है। पाकिस्तान में भी आजकल इतनी सर्दी हो रही है ना, और वहाँ पे भी अम्मी वगैरह सब बताते हैं कि सूरज नहीं निकल रहा, सूरज नहीं निकल रहा। और यहाँ पे इतनी सर्दी होती है, दिसंबर और जनवरी का मंथ तो आप सूरज भूल ही जाओ ना कि निकलेगा। परसों हल्की हल्की स्नो भी हुई थी, वो देखें वो सामने शायद नज़र आ रही है। ये रही, अब तो खैर स्नो ख़त्म हो गया लेकिन सर्दी की बहुत ज़्यादा है। ये हमारी विंडो का व्यू है, ये हमारी विंडो का व्यू है। अब ये सयान ने यहाँ ना अपने टॉयज बखेरे में, अब मैं ये उठाती हूँ और रूटीन बच्चों की थोड़ी ठीक की है। बच्चों की रूटीन बहुत ख़राब थी लेट उठने की वजह से। ये टेबल वैसे सेंटर में था लेकिन मैंने इसको साइड पे रखा है क्योंकि कोई चाय वगैरह अगर यहाँ पीनी हो उसके लिए टेबल चाहिए होता है। लेकिन अगर मैं सेंटर में रखूं तो बच्चे जो है ना बस वो फिर इसके साथ खेलना शुरू हो जाते हैं। इतनी ज़्यादा लॉन्ड्री हो जाती है। अभी मैं ऐसा करती हूँ, सारे डार्क कलर के डालती हूँ, लाइट कलर के बाद में डालूँगी। चलो अब इसको करते हैं। लाइट कलर के जो कपड़े हैं वो मैं बाद में ऐड करूँ। ये बर्तन है, इनको मैं वॉश करके ज़रा रिंस करके डिश वॉशर में भी लगाती हूँ। काफ़ी मैसी वर्क। अभी ये लेफ्ट हुई है कीमा, इसके आज मेरा इरादा है कबाब बना के रखने का। अभी इसको साइड पे मैं रखती हूँ। ये लेफ्ट ओवर राइस है, इनको फ्रिज में रखते हैं। किचन के अभी थोड़े से कुछ बर्तन रह गए हैं, कुछ ये मैंने अभी डिश वॉशर में लगा दिए हैं। ये भी इनको मैं वॉश करने के लिए रख देती हूँ। और साथ में अभी ये थोड़ा सा काम रह गया, ये स्टोर भी क्लीन हो गया ऑलमोस्ट। आज बिन का बैग भी चेंज करना था। डिश वॉशर की भी वैसे बहुत ज़्यादा सहूलत होती है। और फिर बस देखने में वो वीडियो में ऐसे लग रहा है बर्तन साफ़ हैं लेकिन ये बर्तन साफ़ नहीं होते। तो फिर बस अब मैं इसको लगा दूँगी टाइम। वैसे यूजुअली मैं रात में लगाती हूँ कि रात में फिर जो साइकिल होता है ना वो चलता रहता है और फिर बाद में अगले दिन आप निकाल लो। लेकिन अभी मैंने रात में नहीं लगाया था तो मैंने सोचा चलो अभी इस टाइम लगा देती हूँ, तो जब तक लंच बना रहा है ना उससे पहले तक ये सारे वॉश हो जाएंगे। वॉश तो बर्तन हो के, और फिर सबसे ज़्यादा मसला अगर बाहर ये ड्राई करने का होता है तो डिश वॉशर में इतने अच्छे ड्राई हो जाते हैं ना, फिर बाहर पूरा ये जो काउंटर टेबल है ना ये बर्तनों से ही भरा रहता है। जब तक वो ड्राई नहीं होते तब तक आप अंदर नहीं रख सकते। तो इस तरह से किचन की पूरी क्लीन अच्छी लुक आ जाती है। अभी मैं ये सिंक साफ़ करी थी, इस पर बस ये फेरी मैंने अच्छे से मल के और इसको मैंने ब्रश के साथ थोड़ी देर के लिए अच्छे से मल मल के यानी कर लिया था, धो लिया था, तो इसकी बड़ी अच्छी शाइन आ जाती है। और इससे ना फिर दो तीन दिन आपको सिंक वॉश करने की ज़रूरत नहीं होती, आराम से एक दो दिन आराम से निकल जाते हैं और इससे ये सिंक की शाइन जो है ना वो बरकरार रहती है। इसके ऊपर मैंने स्प्रे करके लगा दिया था थोड़ी देर के लिए, तो ये कितना अच्छा क्लीन हो गया। क्या कहना चाहिए, किचन सारा ऑलमोस्ट क्लीन हो गया है। अब आराम से इसमें बाद में हम लंच बनाएंगे और तब तक बाकी काम करते हैं।
बच्चों का रूम सेट करते हैं अभी ना। इन्होंने ना बच्चों का रूम सेट करते हैं, विंडो मैंने खोल दिया ज़रा हवा पास हो जाए घर में, क्योंकि हीटिंग ऑन रहती है तो वो फिर ना एक दिन में एक दफ़ा विंडो में ज़रूर ओपन करती हूँ। बच्चों की कैबिनेट फिर ख़राब हो गई, अभी मैं इसको ज़रा सेट करती हूँ। चलो जी बस ये हो गई डन। बस नो बच्चों के लिए अभी नूडल्स बनाने लगे थे, तो मैं ये सारी चीज़ें चॉप करके रखती हूँ खेलने के लिए, मिक्सर बनाना है। अच्छा ये मेरे पास ना कीमा रखा हुआ था बीफ मिंच, तो मैंने सोचा आज इसका कबाब बना के रख लेती हूँ। इसके लिए मैंने प्याज और जैसा कि मैंने आपको दिखाया मैंने इसमें ना तीन कलर की डिफरेंट ग्रीन चिली ऐड की थी, और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था और देखते हैं इसका टेस्ट कैसे आता है। तो मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था, ग्राइंड करने के बाद इसका जो एक्स्ट्रा पानी था वो देखें खुद ही सेपरेट हो गया, और बस मैंने फिर उसको यानी ड्रेन कर लिया था। और उसके बाद जो जितनी भी स्पाइसेस हमने ऐड करनी है वो इसमें ऐड कर देंगे, और ये मतलब सॉल्ट हो गया और रेड चिली हो गई। सबसे ज़्यादा जिसका फ्लेवर उठे इन्हेंस होता है ना वो ये सिर्फ ग्रीन चिली से होता है और क्रश रेड चिली से ना, तो इससे बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता है ना कबाबों का। और बस इसमें ना क्योंकि ये जो कीमा होता है ना इसमें बिल्कुल वो चर्बी वगैरह तो होती नहीं है, तो इसको इसीलिए अगर थोड़ा इसका मिक्सचर जो थोड़ा जूसी सा बनाए ना सॉफ्ट सॉफ्ट से, तो वो फिर कबाब भी बड़े सॉफ्ट बनते हैं। तो बस इसमें ये सारी मैंने धनिया पाउडर, रेड चिली, गरम मसाला, कुटी हुई वो लाल मिर्च, ये सारी चीज़ें ऐड करके इसके बाद इसकी अच्छे से मिक्सिंग होनी थी। ये मिक्स करना ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है कि आप अच्छे से इसको ना यकजान कर लो। तो बस इसको मैं अब अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रखूँगी, और बाद में इसके ऊपर अगर कुछ और ऐड करना हुआ तो वो फिर मैं बाद में करूँगी। साथ ही मैंने एक अंडा भी इसमें शामिल कर दिया था ताकि कबाब टूटे ना। और बस अब इसकी अच्छे से कुटाई हो रही है, ज़रा अच्छे से इसकी मिक्सिंग हो रही है। और आज का व्लॉग जो मैंने बनाया था कि मुझे इतना ज़्यादा वॉइस ओवर ना करना पड़े, तो इसलिए मैंने कुछ क्लिप्स जो थे वो मैंने साथ साथ रिकॉर्ड कर लिए थे। और ये देखें बाद में मैंने इसमें थोड़ा सा रेड अनियन और धनिया मेरे पास थोड़ा सा ही पड़ा था, और साथ में मैंने वो थोड़े से टमाटर कट करके वो भी मिक्स करके तो उसको रख दिया था। और ये हो गई थी मगरिब का टाइम, मगरिब की नमाज़ मैंने पढ़ी थी, और जो कपड़े वॉशिंग मशीन में हो गए थे अब मैं वो इनको यहाँ पर फैलाऊँगी। तो अभी हस्बैंड के भी आने का टाइम हो गया था और बच्चे भी कह रहे थे कि हमें भूख लगी, तो मैंने कहा चलो मैं ना एक दो कबाब बना के हम टेस्ट कर लेते हैं कि नमक मिर्च वगैरह हर चीज़ ठीक है, अगर कम या ज़्यादा कम हुई तो फिर और ऐड कर लेंगे। तो बच्चों के लिए मैंने बनाए थे बड़े मज़े के जूसी, और बहुत ये देखें कि बड़े मज़े के बने थे, बहुत अच्छा टेस्ट था। तो बस फिर हम लोगों ने ये इन्जॉय किया, उसके बाद हस्बैंड के आने का भी टाइम था, तो बच्चों को मैंने आज दिन में नहीं काम दिया, तो मैं इनको फिर अभी इस टाइम लेके बैठती हूँ। बैठकर जब तक इनका स्कूल नहीं स्टार्ट होता तो इनको घर में बिज़ी रखना चाहिए, तो मैं उन्हें इनको मैं रोज़ कोई ना इंग्लिश और मैथ का काम ज़रूर करवाती हूँ। बच्चे माँ अपनी माँ के साथ बड़ा खुश होकर पढ़ते हैं और बड़ा इन्जॉय करते हैं, इनको बड़ा अच्छा लगता है ना के फिर, क्योंकि अभी ये शावेज जो है ना इसके थोड़ा सा अभी इनको ना एक्चुअली फ्रेंच में सारी इनकी लर्निंग हुई है पिछला पूरा साल ना, तो अब इनको मैं कह रही थी कि ये इंग्लिश में भी अच्छे से ना इनको लिखना, वैसे तो ये इंग्लिश में भी लिख लेते हैं पढ़ लेते हैं, लेकिन इनके ना अच्छे से साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ानी बहुत ज़रूरी है। तो ये दुपट्टा जो लिया हुआ था ये मेरे अम्मी का दुपट्टा था, ये मैं अक्सर लेकर यही नमाज़ पढ़ती हूँ, मुझे बड़ा सुकून मिलता है जब आपकी माँ पास ना हो तो फिर बड़ा आपको ना एक वो अटैचमेंट होती है, तो फिर जो परदेसी बेटियाँ होती हैं ना उनको अच्छे से समझ आए। तो खैर बस मैं भी फ्री हो गई थी, हस्बैंड भी आ गए थे, उनको खाना वगैरह दिया मैंने, अपने लिए चाय बनाई थी, और हम ख़वातीन को अगले दिन भी सोच के रखना होता है कि क्या बनाना है, तो मैंने ये सफ़ेद चने भिगो दिए थे, तो इसको मेरा इरादा था कल बनाने का, और बस आज का दिन यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। चलो अब मैं अपनी चाय इंजॉय करती हूँ, बाहर मौसम है, सब सारे काम शाम हो गए हैं, और शानू से रिमोट लेते हैं, कार्टून लगाते हैं कोई अपने, वो कार्टून इसके बंद करते हैं, अपना कोई फेवरेट ड्रामा लगाते हैं। शानू व्हाट आर यू वॉचिंग?
मोटू पतलू।